तो आपने अगर इंग्लिश में पीएचडी भी कर रखी है ना, स्टिल चांसेस हैं कि रीडिंग के कुछ क्वेश्चंस में आप स्टक कर जाओ। लोग एग्जाम की प्रिपरेशन अपने घर से कर रहे हैं ना या सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो उन लोगों को मेरा एक सजेशन है, फिर दो दो बार एग्जाम देने पड़ते हैं और कईयों को तो दो बार देने पर भी एग्जाम नहीं निकलता है। एग्जाम में जब बैठे हो गए ना, तो ये टिप्स एंड ट्रिक्स सारी खिड़की से बाहर चली जाती हैं। वेलकम बैक एवरीवन। इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे पीटी के सबसे टफेस्ट मॉड्यूल रीडिंग की। देखो, आपने अगर इंग्लिश में पीएचडी भी कर रखी है ना, स्टिल चांसेस हैं कि रीडिंग के कुछ क्वेश्चंस में आप स्टक कर जाओ। मेरे खुद पीटी रीडिंग में 90 आउट ऑफ 90 मार्क्स आ रखे हैं, लेकिन अभी भी कोई कोई एक आध क्वेश्चन ऐसा सामने आ जाता है जिसमें मैं भी स्टक कर जाता हूँ। लेकिन आप लोगों का टारगेट इतना बड़ा नहीं है। आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स का टारगेट रीडिंग में 50 प्लस लेना है, या फिर जो लोग ग्रेजुएट है उनका टारगेट 60 या 65 प्लस अचीव करना है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा, और ये क्वेश्चन मैंने उसी मेथड से सॉल्व किए हैं जिन मेथड का यूज़ मैं एग्जाम में करता हूँ। आप भी इसी टेक्निक का यूज़ करके अपनी रीडिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो दिस इज द क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है? प्यूटर इज एन अट्रैक्टिव मेटल विच हैज़ बीन यूज्ड फॉर द डैश ऑफ हाउसहोल्ड एंड अदर आइटम्स इन ब्रिटेन सिंस रोमन टाइम्स। मीनिंग क्या है इसका, कि प्यूटर जो है एक अट्रैक्टिव मेटल है जिसका यूज किया जाता है फॉर द डैश ऑफ हाउसहोल्ड, हाउसहोल्ड घर की डैश के लिए और बाकी आइटम्स के डैश के लिए ब्रिटेन के अंदर, और पुराने जमाने से रोमन टाइम से इसका यूज हो रहा है घर की और बाकी आइटम्स की डैश के लिए, राइट। नाउ देखो, इस ब्लैंक के अंदर हो क्या रहा है, बेसिकली ये जो द लगा हुआ है ना यहाँ पे, इस द के बाद ब्लैंक है। एक रूल होता है कि ए एंड द के बाद में आपको नाउन लगाना होता है बेसिकली, तो यहाँ पे एक टेक्निकली एक नाउन आना चाहिए। बट अब हमें जो ऑप्शंस गिवन है ना, हमें 8 ऑप्शंस गिवन है यहाँ पे, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे इनके अंदर से नाउन कौन सा है, और फिर उसके अंदर से भी हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि राइट वाला नाउन कौन सा है। तो यहाँ पे थोड़े से रूल्स काम आ जाते हैं आपके, आपके ऑप्शंस यहाँ पे शॉर्ट हो जाएंगे बेसिकली। उसके बाद अगर आपको तुक्का भी मारना है ना, तो तुक्का बड़ी आसानी से फिट कर सकते हो आप। नाउ इन 8 ऑप्शंस में से हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि नाउन कौन सा है, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा बेसिक नॉलेज नाउन की होना जरूरी है। देखो, आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा नाउन की डेफिनेशन, ठीक है। नाउन क्या होता है? नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और फीलिंग, ठीक है। किसी भी जगह का नाम, किसी चीज का नाम, किसी पर्सन का नाम, उसे नाउन बोलते हैं। जैसे दिल्ली, राम, टेबल, गवर्नमेंट, आर्मी, नेशन, राइट। अगेन, डेफिनेशन पीटी पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। मेन जो चीज होती है उसकी आइडेंटिफिकेशन, और उसको टेस्ट कैसे कर सकते हैं किसी भी वर्ड को कि वो नाउन है या नहीं है। आइडेंटिफिकेशन क्या कहती है? वो वर्ड्स जो टी आई ओ एन या एस आई ओ एन पे एंड होते हैं ना, मैक्सिमम वर्ड्स वो नाउन बनाते हैं। जैसे पॉपुलेशन हो गया, एक्सटोर्शन हो गया, है ना, ए एन सी ई या ई एन सी ई वाले, परमानेंस, एक्सेलेंस, ये सारे वर्ड्स नाउन बनाते हैं। आई एस एम पे जो एंड होते हैं, जैसे टेररिज्म हो गया, राइट, नेशनलिज्म हो गया, उसके बाद ये सारे वर्ड्स नाउन बनाते हैं। एम ई एन टी वाले, गवर्नमेंट, एनवायरमेंट, ए जी ई वाले, इमेज, परसेंटेज, ये सारे वर्ड्स नाउन बनाते हैं। आपको ये 5-6 वर्ड्स जिन पे एंड होते हैं, ये आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो है टेस्ट, कि नाउन को आइडेंटिफाई कैसे करें। तो हमारे पास दो टेस्ट हैं बेसिकली। टेस्ट नंबर वन क्या कहता है? आपको इस सेंटेंस के अंदर वर्ड को फिट करके देखना है। सेंटेंस क्या है? इट इज माय या ही इज माय, उसके बाद डैश, ही इज माय डैश या इट इज माय डैश, इट इज माय गवर्नमेंट, इट इज माय नेचर, इट इज माय कंट्री, इट इज माय टेबल या ही इज माय ब्रदर, ये सारे वर्ड्स इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि यह है मेरी गवर्नमेंट है, यह है मेरा स्वभाव है, यह है मेरी कंट्री है, यह है मेरा टेबल है, या वह मेरा भाई है। सारे वर्ड्स इस सेंटेंस में सेटिस्फाई हो रहे हैं। जो वर्ड इस सेंटेंस में सेटिस्फाई हो जाएगा वो ऑटोमेटिकली नाउन बन जाएगा। ये था टेस्ट नंबर वन। ऐसे ही टेस्ट नंबर टू है। टेस्ट नंबर टू क्या कहता है? बेसिकली आपको वर्ड्स का प्लूरल बना के देखना है। देखो, प्लूरल सिर्फ नाउन का ही किया जा सकता है। एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, इनका प्लूरल नहीं किया जा सकता। तो जिस वर्ड का प्लूरल बनता है, जैसे कार का प्लूरल कार्स हो गया, कंट्री का प्लूरल कंट्रीज हो गया, गवर्नमेंट गवर्नमेंट्स हो गया, राइट। तो ये सारे प्लूरल हो रहे हैं। दैट मीन्स अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए कार, वर्ड आ जाए कार, तो कार का प्लूरल हो सकता है। तो दैट मीन्स कार वर्ड एक नाउन है, कंट्री वर्ड नाउन है, गवर्नमेंट वर्ड नाउन है, क्योंकि इनके प्लूरल बन रहे हैं। तो यही दोनों टेस्ट हम उन क्वेश्चंस में उनमें अप्लाई करके देखेंगे। अब देखो, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमें पता है कि यहाँ पे द के बाद में एक नाउन आना चाहिए था, राइट। इस ब्लैंक के अंदर यहाँ पे एक नाउन आना चाहिए, मैंने एन लिख दिया।
अब हमारे पास जो 8 ऑप्शंस है, हमें आइडेंटिफाई करना है कि नाउन कौन सा है। देखो जो ईडी वाले होते हैं ना, ईडी वाले, ये सेकंड या थर्ड फॉर्म है वर्ब की, हमें पता है, प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्टेड, प्रॉम्प्टेड, राइट। ईडी वाले हमेशा सेकंड या थर्ड फॉर्म बनाते हैं, तो ये नाउन नहीं है, राइट। इसको मैंने कट कर दिया, ये नाउन नहीं है। TION, राइट। आप अगर रूल में देखोगे तो जो वर्ड्स TION पे एंड होते हैं वो क्या बनाते हैं, जैसे पॉपुलेशन, एक्सटॉर्शन, ये वो नाउन बनाते हैं, राइट। अगेन आप टेस्ट के अंदर भी अप्लाई कर सकते हो। क्या टेस्ट है? टेस्ट नंबर 1, इट इज माय प्रोडक्शन, यह है मेरी प्रोडक्शन है, बिल्कुल फिट बैठ रहा है, दैट मींस ये एक नाउन है, राइट। हार्डन का प्लूरल करके देख लो, हार्डन्स, या फिर टेस्ट नंबर 1 में फिट करके देखो, इट इज माय हार्डन, नहीं बन रहा, ठीक है। इट इज माय हार्डन, नहीं बन रहा, नहीं सेटिस्फाई हो रहा यहाँ पे। अगर आप हार्डन के पीछे ING लगाओगे ना, हार्डनिंग, तो हार्डनिंग बन जाता है, सॉफ्टनिंग बन जाता है, ये वर्ब बन रहे हैं, पीछे ING सेटिस्फाई हो रहा है, नाउन नहीं बन रहे। इट इज माय हार्डन नहीं होता, राइट, तो ये नाउन नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन TION भी लगा हुआ है, प्लस रूल नंबर 1 में भी सेटिस्फाई, टेस्ट नंबर 1 में सेटिस्फाई हो रहा है। इट इज माय डिस्ट्रीब्यूशन, राइट, इट इज माय डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर TION भी लगा हुआ है, तो TION वाले नाउन होते हैं, ये एक नाउन है यहाँ पे। सॉफ्टन, इट इज माय सॉफ्टन, सॉफ्टनिंग भी बनता है, ING इसके पीछे लग सकता है, ये वर्ब बन रहा है, नाउन नहीं बन रहा। मिक्स, मिक्सड, मिक्स की ही सेकेंड फॉर्म लिखी हुई है यहाँ पे, मिक्सड, राइट, अगेन नाउन नहीं है, वर्ब की सेकेंड या थर्ड फॉर्म है ये। कंटेनिंग, ऑलरेडी ING लगा हुआ है, ING सिर्फ वर्ब के पीछे लगता है, नाउन के पीछे नहीं लगता ING। कंसिस्टिंग में भी ING लगा हुआ है, तो ये भी कट कर दिया हमने, राइट। अब हमारे पास सिर्फ 2 नाउन बचे हैं, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन, इन दोनों में से एक आंसर यहाँ पे आएगा। अब मीनिंग समझते हैं थोड़ा सा, कि प्यूटर जो है कि अट्रैक्टिव मेटल है, विच हैज़ बीन यूज्ड, जिसका यूज किया जाता है घर की और बाकी आइटम्स की डैश में, बाकी आइटम्स की डिस्ट्रीब्यूशन में, या बाकी आइटम्स की प्रोडक्शन में। अगेन मेटल का यूजेज आप प्रोडक्शन में ही तो करते हो, मेटल से अलग अलग चीजें बनती हैं, राइट। डिस्ट्रीब्यूशन में मेटल का क्या यूज होगा? डिस्ट्रीब्यूशन में तो इंसानों का यूज होना चाहिए, मशीन्स का यूज होना चाहिए, प्रोडक्शन में मेटल का यूज होता है, तो आंसर इसका प्रोडक्शन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही हमने क्या किया, बेसिकली इन सारे ऑप्शंस में से सिर्फ 2 ऑप्शन पे हमने शॉर्ट कर दिया इस आंसर को, फिर उसमें से जो आंसर हमें ठीक लगा वो हमने अप्लाई किया। नाउ नेक्स्ट लाइन समझते हैं, इट इज एन अलॉय, के जो प्यूटर है ना ये एक अलॉय है, मोस्टली ऑफ टीन विच हैज बीन डैश विद स्मॉल अमाउंट्स ऑफ अदर मेटल्स सच एज कॉपर, लेड, एंटीमोनी एंड एंटीमोनी टू डैश इट एंड टू मेक इट मोर ड्यूरेबल। ये एक अलॉय है, अलॉय क्या होता है, बेसिकली ऐसा मेटल जिसके अंदर बाकी मेटल्स के भी थोड़ा थोड़ा प्रोपोर्शन होता है, उसे अलॉय बोलते हैं। तो ये एक अलॉय है, ठीक है, मोस्टली ऑफ टीन, देखो हिंदी में क्या सेंस बन रही है, कि ये एक अलॉय है जो कि मोस्टली बना हुआ है टीन से, ठीक है, और उसके अंदर स्मॉल अमाउंट में बाकी मेटल्स भी हैं, जैसे कॉपर, लेड, एंटीमनी, राइट, बाकी मेटल्स भी हैं, ये इस लाइन का मीनिंग बता रहा है। सो इट इज एन अलॉय। अब नीचे से ऑप्शन देखो, इनका मीनिंग समझते हैं एक बार। ये एक अलॉय है, प्रॉम्प्टेड, प्रॉम्प्टेड का मीनिंग होता है बढ़ावा देना किसी चीज को। हार्डन, हार्डन मतलब सख्त होना, डिस्ट्रीब्यूशन बांटना, सॉफ्टन इज सॉफ्ट, मिक्स्ड मिले हुए होना, मिक्स्ड होना, कंटेनिंग उस चीज के अंदर होना, कंसिस्टिंग भी उस चीज के अंदर होना, राइट तो ये एक अलॉय है, डैश मोस्टली ऑफ टीन, जो मोस्टली टीन से बना हुआ है। अब यहाँ पे हमें 2 ही ऑप्शन देखो, एक तो देखने से पता चल रहा है कि यहाँ पे कुछ ऐसा ऑप्शन लगना चाहिए, इट इज एन अलॉय मेड अप ऑफ मोस्टली, मेड अप मोस्टली ऑफ टीन, या कंसिस्टिंग मोस्टली ऑफ टीन, ऐसा कुछ ऑप्शन यहाँ पे आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे ना देखने से पता चल रहा है कि इन दोनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन आना चाहिए, कंटेनिंग या कंसिस्टिंग, ये एक अलॉय है, दोनों का मतलब उसके अंदर प्रेजेंट होना होता है बेसिकली। कंटेनिंग मोस्टली ऑफ टीन, अगर हम कंटेनिंग ऑप्शन यहाँ पे लगाते हैं कि ये एक ऐसा अलॉय है जिसके अंदर टीन होता है बहुत ज्यादा, नहीं देखो ये एक ऐसा अलॉय है जो बना हुआ है टीन से, मोस्टली वो टीन से बना हुआ है, कंटेनिंग का मतलब होगा उसके अंदर टीन है, नहीं ये एक ऐसा अलॉय है जो मैक्सिमम बना हुआ है टीन से, तो कंसिस्टिंग मोस्टली ऑफ टीन, कंसिस्टिंग आंसर यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। उसके बाद देखो विच हैज बीन डैश विद स्मॉल अमाउंट्स ऑफ अदर मेटल,
अब देखो इस ब्लैंक में क्या हो रहा है, इस ब्लैंक में बीन लगा हुआ है, राइट। बीन का एक रूल होता है छोटा सा, बीन के बाद आप या तो एडजेक्टिव लगा सकते हो या फिर वर्ब लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी या फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगी। नाउ इसके अंदर देखो आईएनजी वाला फॉर्म भी है हमारे पास कंटेनिंग, थर्ड फॉर्म भी है ईडी और ईडी, ठीक है। एडजेक्टिव हमारे पास कोई नहीं है यहाँ पे, तो इन तीनों ऑप्शंस को हम सबसे पहले देखेंगे, कौन से वाला, प्रॉम्प्टेड, ईडी, मिक्स्ड और कंटेनिंग, राइट। बाकी ऑप्शंस हम नहीं देखेंगे क्योंकि ये अलग चीज है, डिस्ट्रीब्यूशन एक नाउन है, ये दोनों अलग चीज है, अभी बताऊंगा। एडजेक्टिव भी यहाँ पे आ सकते थे पर एडजेक्टिव कोई गिवन नहीं है हमें। अब समझो ये एक अलॉय है जो मोस्टली बना हुआ है किस चीज से, टीन से, विच हैज बीन डैश विद स्मॉल अमाउंट ऑफ अदर मेटल, और जिसके अंदर बाकी मेटल्स को भी डैश किया गया है, जैसे कि कॉपर, लेड और एंटीमनी, तो बाकी मेटल्स को भी मिक्स किया गया है, तो मिक्स्ड इसका आंसर आना चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट फिट बैठता है यहाँ पे। टू डैश इट, तो इन मेटल्स को इसमें मिक्स किया जाता है, कॉपर को, लेड को, एंटीमनी को, इसको डैश करने के लिए, इसको क्या करने के लिए, और इसको ड्यूरेबल बनाने के लिए, इसको लंबे समय तक चलाने के लिए। अब देखो यहाँ पे ना फिर से रूल लग रहा है, टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का एक रूल होता है, ठीक है। अब इनमें से आइडेंटिफाई कैसे करें कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है कौन सी, तो उसके लिए पहले हमें वर्ब के रूल चेकआउट करने पड़ेंगे। देखो वर्ब क्या होता है, वर्ब समझते हैं, वर्ब का सीधा टेस्ट समझो, ठीक है। वर्ब का टेस्ट क्या कहता है, आपको वर्ड के पीछे ना सिर्फ आईएनजी लगा के चेक करना है, अगर वो वर्ड आपने कभी सुना होगा, जैसे वर्किंग आपने सुना है, एस्टोनिशिंग सुना हुआ है, राइट, क्लाइंबिंग सुना है, थिंकिंग सुना है, हेल्पिंग सुना है, तो अगर ये वर्ड आपने कभी कभी ना कभी सुना है तो दैट मीन्स ये वर्ब है, ठीक है। तो ये टेस्ट नंबर वन कहता है कि वर्ड के साथ में आईएनजी पैच कर दो। टेस्ट नंबर टू क्या कहता है, आपको एक सेंटेंस लेना है आई कैन डैश, जो वर्ड इस सेंटेंस में फिट हो जाएगा, आई कैन डैश, आई कैन क्लाइंब, आई कैन थिंक, आई कैन हंट, आई कैन हेल्प, वो सारे वर्ड्स आपके वर्ब बनाएंगे। अब देखो यही दो टेस्ट हम वहां पे लगा के देखते हैं। नाउ फर्स्ट क्या है, प्रॉम्प्टेड, आई कैन प्रॉम्प्टेड, देखो इसमें हो क्या रहा है, प्रॉम्प्टेड में ऑलरेडी ईडी लगा हुआ है, राइट। ईडी कहाँ लगता है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म में और वर्ब की थर्ड फॉर्म में, हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हमें यहाँ पे चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड और थर्ड फॉर्म नहीं चलेगी, इसको कट कर दो। डिस्ट्रीब्यूशन, टी आई ओ एन वाले क्या होते हैं, नाउन, राइट, तो ये तो एक नाउन है, वर्ब नहीं है, ये भी नहीं चलेगा यहाँ पे। कंटेनिंग में क्या हो रहा है, आई एन जी लगा हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी लगा हुआ है, कंटेन होता तो बात अलग होती, कंटेनिंग बन रहा है अभी, आई एन जी वाला नहीं चलेगा, ठीक है। बचा हार्डन और सॉफ्टन, अब ये क्या है, इनमें रूल अप्लाई करके देख लो, हार्डन के साथ आई एन जी लगा के देखो, हार्डनिंग, सॉफ्टनिंग, राइट, सेंस बनती है, हार्डनिंग, सॉफ्टनिंग, राइट, दैट मीन्स अगर आई एन जी लगा के इनकी सेंस बन रही है तो ये वर्ब हैं, और ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, कोई ईडी वगैरह लगा नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये दोनों, राइट। तो यहाँ पे इन दोनों में से एक ऑप्शन, हार्डन और सॉफ्टन में से एक ऑप्शन चला जाएगा यहाँ पे। अब ऑप्शन लगाएं कौन सा, तो मीनिंग फिर से समझना पड़ेगा कि छोटे अमाउंट में बाकी मेटल्स को इसमें डाला जाता है, ठीक है, टू डैश इट, ताकि इसको डैश किया जा सके, ताकि इसको हार्ड बनाया जा सके या सॉफ्ट बनाया जा सके, एंड मेक इट मोर ड्यूरेबल, और इसे लंबे समय तक चलाया जा सके। देखो अगर हम उसे सॉफ्ट बना देंगे ना, सॉफ्ट चीज लंबे समय तक नहीं चलती है, हार्ड चीज ही लंबे समय तक चल पाती है, तो दैट्स वाई इसका आंसर हार्डन आ जाएगा, सॉफ्टनिंग, सॉफ्टन इसका आंसर नहीं आएगा, राइट। एक बार आंसर चेक करते हैं, अब सारे आंसर फिट बैठ रहे हैं, सेम मेथड मैं एग्जाम में अप्लाई करके आता हूँ, ठीक है, और सेम ही रिजल्ट मुझे मिलता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर टू, एक दो एग्जाम्पल्स और समझते हैं। ऑलराइट, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर टू ऑन योर स्क्रीन। लाइन क्या कहती है, एलिफेंट्स हैव अ वेरी डैश कम्युनिकेशन सिस्टम, एलिफेंट्स का जो कम्युनिकेशन सिस्टम होता है ना वो डैश होता है, राइट। अब देखो यहाँ पे क्या रूल अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे ब्लैंक से पहले लगा हुआ है ए, राइट, ए के बाद का क्या रूल होता है, ए एंड द के बाद में एक नाउन आना चाहिए, पर क्या यहाँ पे नाउन आ रखा है, देखो ये जो कम्युनिकेशन सिस्टम लगा है ना वो नाउन कब आएगा ना, वो उस ए या एन या द के बाद में टू या थ्री वर्ड जो नेक्स्ट होंगे उनके अंदर अंदर आ जाना चाहिए, किसी पंक्चुएशन मार्क से पहले आ जाना चाहिए, प्रेपोजिशन ऑफ या टू इनसे पहले आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे जो कॉमा लगा ना इससे पहले हमें चेक करना पड़ेगा क्या ये नाउन तो नहीं है,
कम्युनिकेशन, देखो कम्युनिकेशन में TION लगा हुआ है, सिस्टम ठीक है, सिस्टम में रूट टेस्ट नंबर 2 अप्लाई करके देखो नाउन का, इट इज माय सिस्टम, सेंस बनती है, यह है मेरा सिस्टम है, प्लस प्लूरल भी हो रहा है इसका, सिस्टम्स राइट, ये भी नाउन है सिस्टम वर्ड, कम्युनिकेशन वर्ड भी नाउन है, और ये दोनों कंबाइन होके एक नाउन बना रहे हैं, और तो ए के लिए एक नाउन आना था कम्युनिकेशन सिस्टम, वो नाउन यहाँ पे लग चुका है। अब रूल क्या कहता है, अगर नाउन आ गया तो, और फिर भी एक और ब्लैंक उसके आगे खाली है, तो उस ब्लैंक के अंदर आप एडजेक्टिव पुट करोगे। नाउ अब हमारे पास अगेन फिर से 8 ऑप्शंस गिवन है, इन 8 ऑप्शंस में से हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कौन सा एडजेक्टिव है। नाउ एडजेक्टिव को समझते हैं, इसके लिए देखो एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव का रूल समझो, एडजेक्टिव क्या करता है बेसिकली, एडजेक्टिव आपको क्वालिटी बताता है किसकी, नाउन की या प्रोनाउन की, अगेन डेफिनेशन आपको याद नहीं रखनी है, सीधा आप टेस्ट लगा के देख सकते हो। टेस्ट क्या कहता है, इट इज डैश या ही इज डैश, जो वर्ड इस लाइन में फिट बैठ जाए, इट इज डैश या ही इज डैश, जैसे कि इट इज गुड, यह अच्छा है, इट इज बैड, यह है बुरा है, इट इज हार्ड है ना, या द टेबल इज हार्ड, या ही इज एवरेज, कि वो जो स्टूडेंट है वो एवरेज है, ही इज गुड, ही इज बैड, राइट, जो वर्ड यहाँ पे फिट बैठ जाए वो सारे के सारे वर्ड्स आपके एडजेक्टिव हो जाएंगे। ही इज मैच्योर, तो मैच्योर वर्ड एडजेक्टिव हो गया, ही इज हैंडसम, हैंडसम वर्ड एडजेक्टिव हो गया, इट इज सैड या इट इज नॉट गुड, तो नॉट गुड पूरा वो गुड जो वर्ड है वो एडजेक्टिव हो गया राइट। तो जो वर्ड कहने की बात यह है कि जो वर्ड इस लाइन के अंदर सेटिस्फाई हो जाएगा वो एडजेक्टिव हो जाएगा। नीचे और एग्जाम्पल लिखे हैं देखो, इट इज यूनिक, कि यह यूनिक है, ही इज अमेजिंग, तो अमेजिंग वर्ड देखो ING लग रहा है यहाँ पे, ठीक है, वर्ब तो है ही अमेजिंग, पर वर्ब के साथ साथ एडजेक्टिव भी हो गया अमेजिंग, ठीक है, क्योंकि इस लाइन में सेटिस्फाई हो रहा है, ही इज सिक, वह बीमार है, तो सिक वर्ड एडजेक्टिव हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब जो हमारे पास वर्ड्स गिवन है इनको फिट करके देखना है हमें, डिस्टेंट का मतलब होता है दूर, ही इज डिस्टेंट या इट इज डिस्टेंट, यह दूर है, हिंदी में सेंस बन रही है सेंटेंस की, यह दूर है, यह पास है, सेंस बन रही है, दैट मीन्स ये एक एडजेक्टिव है राइट, मैं ए लिख रहा हूं यहाँ पे। नेक्स्ट वैरायटी, इट इज वैरायटी, वैरायटी क्या एडजेक्टिव है, प्लूरल करके देखो एक बार इसका, वैरायटी वैराइटीज प्लूरल हो रहा है, प्लूरल किसका हो सकता है, सिर्फ नाउन का प्लूरल हो सकता है राइट, अगर वैरायटी का वैरायटीज बन रहा है दैट मीन्स ये तो एक नाउन है, एडजेक्टिव नहीं है। सेम केस फैमिली, फैमिलीज या इट इज माई फैमिली, नाउन वाले रूल फिट हो रहे हैं इसके अंदर, एडजेक्टिव वाला नहीं, इट इज फैमिली नहीं, इट इज फैमिली नहीं, इट इज माई फैमिली होता तो बन जाता नाउन का रूल, इट इज फैमिली सेटिस्फाई नहीं हो रहा। रेंजिंग, इट इज रेंजिंग नहीं, ING भी लगा हुआ है देखो, अगेन ING वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING बन रहा है, वर्ब बन रहा है, ये एडजेक्टिव नहीं होगा। इट इज अपार्ट, दूर है, ये सेंस बना सकता है थोड़ा, इट इज अपार्ट, ठीक है। साउंड्स, साउंड साउंड्स प्लूरल हो रखा है, साउंड साउंड्स, या इट इज माय साउंड, नाउन वाले रूल इसके अंदर फिट बैठ रहे हैं, एडजेक्टिव नहीं है ये भी। कॉम्प्लेक्स, इट इज कॉम्प्लेक्स, यह मुश्किल है, यह जटिल है, फिट बैठ रहा है बिल्कुल, यह मुश्किल है, इट इज कॉम्प्लेक्स, एडजेक्टिव है। राउंड, देखो राउंड के दो मतलब होते हैं, एक तो गोल, और एक राउंड का मतलब होता है चक्कर काटना राइट, ग्राउंड के चारों तरफ का एक राउंड लेना, तो अगर राउंड का मतलब यहाँ पे गोल है, यह गोल है, इट इज राउंड, तो एडजेक्टिव के टेस्ट में बिल्कुल फिट बैठ रहा है, इट इज राउंड राइट, तो ये एक एडजेक्टिव हो जाएगा। अब देखो हमने ना इस ब्लैंक के लिए सिर्फ चार ऑप्शन छोड़े हैं, ठीक है, इन्हीं चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन यहाँ पे लगने वाला है। एलिफेंट्स हैव अ डैश कम्युनिकेशन सिस्टम, एलिफेंट के पास दूर का कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, अपार्ट का मतलब भी दूर होगा, कॉम्प्लेक्स मुश्किल या फिर काफी उलझा हुआ कम्युनिकेशन सिस्टम है, या फिर गोल कम्युनिकेशन, देखो कम्युनिकेशन सिस्टम गोल तो क्यों होगा राइट, ये ऑप्शन आप कट कर दोगे, ठीक है, गोल कम्युनिकेशन सिस्टम क्यों होगा, नहीं हो सकता गोल कम्युनिकेशन सिस्टम, दूर का कम्युनिकेशन सिस्टम या फिर कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन सिस्टम, इसका जो राइट आंसर बनेगा कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, वो उनके जो कम्युनिकेट करने का तरीका होता है ना, अगर एलिफेंट्स के बारे में आप लोगों को पता है तो बड़ा ही सोफिस्टिकेटेड तरीका होता है उनके कम्युनिकेट करने का, वो बहुत दूर से भी बात कर पाते हैं, पास होते हैं तो अलग रिएक्शन देते हैं, वो
तो इसलिए इसका आंसर कॉम्प्लेक्स बनेगा, अपार्ट भी नहीं बनेगा, डिस्टेंट भी नहीं बनेगा, कि वेरी डिस्टेंट कम्युनिकेशन सिस्टम है। अब सिर्फ दूर दूर वाला तो है नहीं कम्युनिकेशन, पास आते होंगे तब भी तो कम्युनिकेट करते होंगे ना, तो डिस्टेंट कम्युनिकेशन नहीं आएगा, कॉम्प्लेक्स आएगा, कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, राइट। ये आंसर यहाँ पे फिट किया। विच हेल्प्स देम मेंटेन देयर क्लोज डैश, जिनकी मदद से या वो जो सिस्टम है वो हेल्प करता है उनको मेंटेन करने में, उनके क्लोज डैश बोन्स, क्लोज डैश बोन्स को मेंटेन करने में, क्लोज पास के डिस्टेंस, पास के दूर के बॉन्ड्स नहीं बन रहा, पास के दूर के बॉन्ड या वैरायटी बॉन्ड्स, अलग अलग पास के अलग अलग बॉन्ड्स या पास के फैमिली बॉन्ड्स, फैमिली बॉन्ड्स बेसिकली, राइट। उनकी जो फैमिली के बॉन्ड्स होते हैं आपस में बातचीत करने में, उनमें वो सिस्टम उनकी मदद करता है, तो फैमिली बॉन्ड्स को मेंटेन करने में वो सिस्टम उनकी हेल्प करेगा, तो फैमिली बॉन्ड्स इसका आंसर बनेगा। ओके, कैसे हेल्प करता है? जब व्हेन दे आर नियर ईच अदर, जब वो एक दूसरे के पास होते हैं तो वो क्या करते हैं, दे यूज वर्बल एंड विजुअल सिग्नल्स, वो इशारे करते हैं, विजुअल सिग्नल्स का यूज करते हैं, टू एक्सप्रेस अ वाइड डैश ऑफ इमोशंस, क्या एक्सप्रेस करने के लिए, अ वाइड डैश ऑफ इमोशंस। नाउ इस क्वेश्चन के अंदर देखो क्या चीज अप्लाई हो रही है, देखो यहाँ पे ना, यहाँ पे ए लगा हुआ है बिल्कुल लास्ट में, ठीक है। ए के बाद में क्या रूल है कि ए के बाद में नाउन आना चाहिए, और वो नाउन ये जो प्रेपोजिशन है ऑफ वगैरह इससे पहले लगना चाहिए, ठीक है। इससे पहले क्या वर्ड है, एक तो ब्लैंक है, इससे पहले, इससे पहले लिखा हुआ है वाइड, क्या वाइड नाउन है, नहीं, वाइड एक एडजेक्टिव है, आप इस पे क्लिक भी करोगे ये बताएगा आपको कि ये, देखो एडीजी दैट मींस एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का रूल भी इसमें फिट लग रहा है, इट इज वाइड, यह है चौड़ा है, इट इज वाइड, राइट। तो दैट मींस नाउन इस ब्लैंक के अंदर आना चाहिए, हमें सेम रूल अप्लाई करने हैं, इनमें से आइडेंटिफाई करना है कि नाउन कौन सा है, एक एक चीज उठाओ और पुट करके देखते जाओ, नाउन का टेस्ट लगाओ, डिस्टेंट, इट इज माई डिस्टेंट, नहीं, अगर वर्ड होता डिस्टेंस, इट इज माई डिस्टेंस, यह मेरी दूरी है, तब उसकी सेंस बनती, डिस्टेंट की सेंस नहीं बन रही है, इट इज माई डिस्टेंट नहीं बन रहा है, एडजेक्टिव है ये, हमने पहले भी देखा है ना इस वाले ब्लैंक के अंदर। वैरायटी, वैरायटी का प्लूरल हो सकता है, प्लूरल सिर्फ नाउन का ही होता है, वैरायटी वैरायटीज, दैट मींस ये एक नाउन है। आईएनजी लगा हुआ है, आईएनजी वाले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है, ये नाउन नहीं होगा। अपार्ट, ही इज अपार्ट, अगेन एडजेक्टिव है। साउंड, साउंड्स प्लूरल हो रखा है, प्लूरल सिर्फ नाउन का ही होता है, ये एक नाउन है। राउंड, इट इज माय राउंड, या इसका प्लूरल भी तो हो सकता है, राउंड्स, तो दैट मींस ये नाउन बनता है, अगर राउंड का मतलब चक्कर काटना है तो ये नाउन बनता है। अब देखो यहां पे हो क्या रहा है, यहां पे देखो ए लगा हुआ है बेसिकली, ठीक है, ब्लैंक के लास्ट में बिल्कुल ए लगा हुआ है, ए के बाद में क्या आना चाहिए, सिंगुलर नाउन आना चाहिए, दैट मींस ये जो साउंड्स है ये तो आ ही नहीं सकता यहाँ पे, प्लूरल नाउन आ ही नहीं सकता। अब दो ऑप्शन बचे, वैरायटी या राउंड, है ना। तो एनिमल्स या जो एलिफेंट्स होते हैं जब वो पास होते हैं तो वो यूज करते हैं वर्बल सिग्नल्स का, वर्बल या विजुअल सिग्नल्स का, क्या एक्सप्रेस करने के लिए, वाइड राउंड ऑफ इमोशंस या वाइड वैरायटी ऑफ इमोशंस, अलग अलग तरह के इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए, वाइड वैरायटी ऑफ इमोशंस, ठीक है। तो यहाँ पे हमें नाउन वाले टेस्ट ने मदद किया बेसिकली ऑप्शंस को शॉर्ट करने में, हम इन पांच छह ऑप्शंस में से सिर्फ दो ऑप्शन पे आ गए, फिर उसके अंदर से जब आप तुक्का लगाओगे ना तो चांसेस ज्यादा होंगे कि आपके ऑप्शंस ठीक हो जाएं। नाउ नेक्स्ट ब्लैंक सॉल्व करते हैं, एज दे मूव फर्दर डैश, पहले तो यहाँ बात कर रहे थे पिछले वाले में कि जब वो पास होते हैं, जब वो पास होते हैं तो वो क्या यूज करते हैं, विजुअल सिग्नल्स का यूज करते हैं अलग अलग इमोशंस दिखाने के लिए, और जैसे जैसे वो दूर बढ़ते रहते हैं, एज दे मूव फर्दर दूर होते रहते हैं, साउंड नहीं आएगा, राउंड नहीं, अपार्ट, अपार्ट का मीनिंग दूर, एज दे मूव फर्दर, डिस्टेंट का मीनिंग भी दूर होता है, ये दोनों आने चाहिए, जैसे जैसे वो दूर होते रहे, एज दे मूव फर्दर डिस्टेंट या फर्दर अपार्ट, अगेन कोलोकेशन यहाँ पे अपार्ट की लगेगी, एज दे मूव फर्दर अपार्ट, जैसे जैसे वो दूर होते रहते हैं। दे यूज अ लेस कॉमन रंबलिंग डैश दैट कैन बी हर्ड ओवर 2 kilometers अवे, तो दूर जब वो होते हैं ना वो लेस कॉमन रंबलिंग डैश का यूज करते हैं, जिसे 2 kilometers दूर भी सुना जा सकता है, लेस कॉमन रंबलिंग डिस्टेंट का यूज करते हैं, डिस्टेंट दूरी को 2 kilometers दूर कैसे सुनेंगे हम,
रेंजिंग को 2 किलोमीटर दूर कैसे सुनेंगे, राउंड को भी नहीं सुन सकते हम, साउंड्स को सुन सकते हैं 2 किलोमीटर दूर, राइट। तो यही तो बात हो रही है, जैसे जैसे वो दूर जाते जाते हैं तो वो ऐसी साउंड्स का यूज करते हैं जिन्हें 2 किलोमीटर दूर भी सुना जा सकता है, लेस कॉमन रंबलिंग साउंड्स जिसे 2 किलोमीटर दूर भी सुना जा सकता है। आंसर्स चेक करते हैं, ठीक है, सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कहता है लुक एट द रीसेंट मोस्ट रिस्पेक्टेड कंपनीज सर्वे बाय द फाइनेंशियल टाइम्स। तो फाइनेंशियल टाइम एक मैगजीन है, उसने सर्वे कंडक्ट किया और उस सर्वे को नाम दिया मोस्ट रिस्पेक्टेड कंपनीज, दुनिया की सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेड कंपनीज, राइट। उस सर्वे में कहा क्या गया है, हु आर द मोस्ट रिस्पेक्टेड कंपनीज एंड बिजनेस लीडर्स एट द डैश टाइम, कि कौन है सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट मिलने लेने वाली कंपनीज और कौन है बिजनेस लीडर्स जिनको सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है डैश टाइम में, एट द डैश टाइम, राइट। ऑप्शंस देखो, एट द करंट टाइम, आज के टाइम पे, पास्ट टाइम, पुराने टाइम पे कौन थे, नीदर, देखो नीदर तो आ ही नहीं सकता, ईदर भी नहीं आ सकता, बॉथ भी नहीं आ सकता, क्यों, इनके फर्स्ट लेटर कैपिटल हो रखे हैं, राइट। ये तीनों ऑप्शन यहाँ पे फिट नहीं बैठेंगे, बॉथ भी नहीं, ईदर भी नहीं, फर्स्ट लेटर कैपिटल है, हमें स्मॉल लेटर वाला वर्ड ही चाहिए, है ना। एंड बिजनेस लीडर्स एट द थ्रू टाइम, ठीक है, एट द थ्रू टाइम, बाय टाइम, हाईएस्ट टाइम, बिगेस्ट टाइम, अचीव टाइम, फिनिश टाइम, क्या सूट कर रहा है, आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे ना आपको आंसर मिल जाएगा, कौन है सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेड कंपनीज और उनके बिजनेस लीडर्स एट द डैश टाइम, एट द प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट टाइम इसका आंसर यहाँ पे आना चाहिए, प्रेजेंट के लिए जो वर्ड यहाँ पे यूज हो रखा है ना, दैट इज करंट, एट द करंट टाइम, आज के टाइम पे कौन है सबसे बढ़िया रिस्पेक्टेड लीडर्स, ये आंसर यहाँ पे गया। अब देखो नेक्स्ट जो है, ये यहाँ पे फुल स्टॉप लगा हुआ, एक बार मीनिंग समझ लेते हैं, रादर प्रेडिक्टेबली दे आर, कि इनको प्रेडिक्ट करना बहुत ईजी है, कौन कौन है सबसे टॉप के लीडर्स, जैक वेल्च एंड जनरल इलेक्ट्रिक, जैक वेल्च उसकी कंपनी है, जनरल इलेक्ट्रिक ये उसका लीडर है, ये जनरल इलेक्ट्रिक उसकी कंपनी है, बिल गेट्स और बिल गेट की जो ऑर्गेनाइजेशन है माइक्रोसॉफ्ट, राइट, ये रिस्पेक्टेड कंपनीज में आती हैं। डैश हैज अचीव्ड देयर वर्ल्ड क्लास स्टेटस थ्रू प्लेइंग नाइक्स, इन्होंने अचीव किया है वर्ल्ड क्लास स्टेटस थ्रू प्लेइंग नाइक्स, नाइक्स बन के इन्होंने वर्ल्ड क्लास स्टेटस अप्रूव किया है क्या। अब देखो यहाँ पे ना फुल स्टॉप लगा है, दैट मीन्स इन तीन ऑप्शन में से आना चाहिए, नीदर, ईदर और बोथ, मीनिंग क्या है, नीदर, दोनों ने ही ये स्टेटस अच्छा बन के अचीव नहीं किया, ईदर या इनमें से किसी एक ने ये स्टेटस अच्छा बन के अचीव किया है, या बोथ के दोनों ने ही ये स्टेटस अच्छा बन के अचीव किया है, वर्ल्ड क्लास वाला स्टेटस अच्छा बन के अचीव किया है, राइट, कौन सा ऑप्शन आएगा। अभी इसमें कंफ्यूजन होनी चाहिए कि दोनों ने अचीव किया या दोनों में से किसी ने भी ये स्टेटस अच्छा बन के अचीव नहीं किया, ईदर का तो ऑप्शन ही नहीं है, नीदर या बोथ, इन दोनों में से एक ऑप्शन आना चाहिए, बट अभी कंफ्यूजन है, तो आगे एक बार रीड करते हैं फिर क्लियर होगा कि वो दोनों की अच्छाई की बात कर रहे हैं या बुराई कर रहे हैं। वेल्च इज स्टिल रिमेंबर्ड फॉर द ब्रूटल डाउनसाइजिंग ही लेड हिज बिजनेस डैश, वेल्च जो जनरल इलेक्ट्रिक के लीडर है उनको आज भी याद किया जाता है फॉर द ब्रूटल, ब्रूटल खतरनाक डाउनसाइजिंग ही लेड हिज बिजनेस डैश, तो उन्होंने बहुत सारे एम्प्लॉइज को फायर किया होगा, डाउनसाइजिंग का तो मतलब यही हुआ ना, एम्प्लॉइज को फायर किया होगा या बिजनेस को डाउन, मतलब कंपनीज उसने बंद की होगी, अपने हेडक्वार्टर्स को बंद किया होगा, कुछ ना कुछ किया है, डाउनसाइजिंग की है, ही लेड हिज बिजनेस डैश, तो उन्हें आज भी याद किया जाता है फॉर द ब्रूटल डाउनसाइजिंग ही लेड हिज बिजनेस थ्रू, उन्होंने अपने बिजनेस को उस ब्रूटल डाउनसाइजिंग में डाला, उसके लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है, ही लेड हिज बिजनेस थ्रू, एंड फॉर द एनवायरमेंटल पोल्यूशन इंसिडेंट, और उन्होंने बहुत सारे पोल्यूशन के जो लॉज होते हैं उनको भी तोड़ा है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन इंसिडेंट्स एंड प्रोसिक्यूशंस, और उन पे केसेस भी चले हैं इनको लेके, तो ये नेगेटिव बात हो रही है देखो यहाँ पे, ठीक है, कि उन्हें आज भी याद किया जाता है इस नेगेटिव बात के लिए। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है ना देखो,
बोथ, अगर यहाँ पे हम लिखते हैं बोथ कि दोनों ने ही अचीव किया है ये स्टेटस, टॉप का स्टेटस अच्छा बन के, अगर अच्छा बन के अचीव किया तो नेगेटिव बात क्यों होती है उनकी, राइट? तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं कि नीदर हैज अचीव्ड, इन दोनों में से ना किसी ने भी ये स्टेटस अच्छा बन के अचीव नहीं किया है, दोनों ने बहुत उल्टे सीधे काम किए हैं, इन्होंने एनवायरमेंटल पोल्यूशन के लॉज को ब्रेक किया है, केस वगैरह चले हैं इनके ऊपर, ठीक है? आगे फिर माइक्रोसॉफ्ट बिल गेट्स के बारे में बताएंगे कि उन्होंने क्या क्या किया। माइक्रोसॉफ्ट हैज हैड वन ऑफ द डैश प्रोफाइल केसेस ऑफ बुलिंग मार्केट डोमिनेंस ऑफ रिसेंट टाइम्स, राइट? तो उनके ऊपर वन ऑफ द डैश प्रोफाइल केसेस हैं ऑफ बुलिंग मार्केट डोमिनेंस ऑफ रिसेंट टाइम। तो बिल गेट क्या करता है, बिल गेट के ऊपर एलिगेशन है बेसिकली, अगर आप न्यूज भी पढ़ोगे, कि वो छोटी कंपनीज को दबाते हैं, ठीक है, उन्हें बुली करते हैं, उनको खरीद लेते हैं या उनके प्रोडक्ट्स लॉन्च नहीं होने देते, तो ये सब बातें हैं बेसिकली। तो माइक्रोसॉफ्ट हैज हैड वन ऑफ दी डैश प्रोफाइल केसेस, देखो द लगा हुआ है, द के बाद में नाउन का रूल होना चाहिए, नाउन एक आना चाहिए, पर यहाँ पे जो केसेस वर्ड है ना, ये नाउन हो रखा है ऑलरेडी, प्लूरल हो रखा है, केस केसेस, राइट? तो प्लूरल सिर्फ नाउन नाउन का ही किया जा सकता है, तो ये नाउन हो रहा है। उसके आगे जो प्रोफाइल वर्ड लगा है ना, इवन ये भी नाउन है, इट इज माई प्रोफाइल या प्रोफाइल्स, इस पर क्लिक भी करोगे तो ये बताएगा शायद, देखो नाउन, तो दैट मीन्स यहाँ पे एक एडजेक्टिव आना चाहिए, ठीक है? एडजेक्टिव अगेन देखो आप कट कर सकते हो, बोथ नहीं आएगा क्योंकि बी कैपिटल है, इधर का भी बी कैपिटल है, ये ई कैपिटल है, ये नहीं आ सकता, बाय प्रपोजिशन वगैरह नहीं आएगी, एडजेक्टिव नहीं होता, पास्ट, इट इज माई पास्ट, यह है मेरा पास्ट था, ये नाउन के रूल में सेटिस्फाई हो रहा है, दैट मीन्स ये एडजेक्टिव नहीं है। हाइएस्ट, इट इज हाइएस्ट, इट इज लोएस्ट, एडजेक्टिव बन रहा है, इट इज बिगेस्ट, इट इज अचीव नहीं होता, आई कैन अचीव वर्ब के रूल में सेटिस्फाई हो रहा है, आई कैन अचीव ये नहीं है, आई कैन फिनिश ये भी वर्ब है, ये भी एडजेक्टिव नहीं है, इन दोनों में से आना चाहिए। तो उसके ऊपर बिगेस्ट केसेस हैं या हाईएस्ट केसेस हैं बुलिंग के, तो हाईएस्ट केसेस ऑब्वियसली यहाँ पे सेटिस्फाई होगा कि मैक्सिमम बहुत सारे केसेस चल रहे होते हैं उसके ऊपर के वो लोगों को बुली करता है आज के टाइम पे। एंड गेट्स हैज बीन एबल टू डैश द फाइनेंशियल स्टेटस where he can choose to give lot of money by being ruthless in business. और गेट्स जो है has been able to, अगेन टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को आप देख सकते हो वहां पे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमें आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी इनमें से कौन सी है, बोथ और इधर एलिमिनेट हो जाएंगे क्योंकि फर्स्ट लेटर कैपिटल है, पास्ट हमने बताया था नाउन है, राइट? इट इज माई पास्ट बाय प्रपोजिशन है, बिगेस्ट वगैरह को हमने किस में रखा था, एडजेक्टिव वाली कैटेगरी में, अचीव आई कैन अचीव ना वर्ब के रूल में सेटिस्फाई हो रहा है, ये वर्ब है, आई कैन फिनिश, राइट? ये भी वर्ब है, दोनों वर्ब के रूल में सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो गेट्स हैज बीन एबल टू अचीव या हैज बीन एबल टू फिनिश, उसका फाइनेंशियल स्टेटस फिनिश हो गया नहीं, उसको ये फाइनेंशियल स्टेटस मिला, हैज बीन एबल टू अचीव द फाइनेंशियल स्टेटस, राइट? तो ये दो ऑप्शन बचे थे, इन्हीं के अंदर से हमने अचीव यहाँ पे लगा दिया। ऑलराइट, एक बार आंसर चेक करते हैं, ठीक है, सारे आंसर्स करेक्ट हैं। सेम मेथड आपको अप्लाई करना है आपकी रीडिंग को सोल्व करते हुए। देखो गाइस, जो लोग एग्जाम की प्रिपरेशन अपने घर से कर रहे हैं ना या सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो उन लोगों का मेरा एक सजेशन है कि आप डेली 5 to 7 क्वेश्चन रीडिंग के सोल्व करोगे, 5 to 7 क्वेश्चन रीडिंग राइटिंग वाले, 5 to 7 क्वेश्चन फलअप्स और रीऑर्डर के सोल्व करोगे। लेकिन उसमें शर्त यह है कि आपको वो सारे क्वेश्चन जो भी आप सोल्व कर रहे हो, उस हर एक लाइन का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। जो भी नया वर्ड आपके सामने आ रहा है, आप उस वर्ड को नोट डाउन करोगे, ठीक है, नेक्स्ट डे उस वर्ड को रिवाइज करोगे। ऐसा करने से धीरे धीरे आपकी रीडिंग ऑटोमेटिकली स्ट्रोंग हो जाएगी। फर्स्ट डे आपको मुश्किल लगेगा, शायद पूरा हफ्ता आपको मुश्किल लगे, बट अगेन कुछ दिनों के बाद, 15-20 दिन के बाद आपकी रीडिंग इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। दिक्कत ये है ना कि बहुत सारे स्टूडेंट्स तो रीडिंग सॉल्व ही नहीं करते हैं, उन्हें लगता है कि बिना रीडिंग के वो एग्जाम निकाल लेंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। रीडिंग कुछ थोड़ी बहुत आपको बनानी आनी ही चाहिए, नहीं तो होगा क्या कि फिर दो दो बार एग्जाम देने पड़ते हैं, और कईयों को तो 2 बार देने पे भी एग्जाम नहीं निकलता है। वहीं कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिन्हें लगता है कि हम पेपर से 2 दिन पहले टिप्स एंड ट्रिक्स की कोई वीडियो देख लेंगे यूट्यूब पे और हमारा एग्जाम क्लियर हो जाएगा। एग्जाम में जब बैठे हो गए ना, तो ये टिप्स एंड ट्रिक्स सारी खिड़की से बाहर चली जाती हैं, उस टाइम पे जो प्रैक्टिस आपने की होती है ना, वही काम आती है। सो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू प्रिपेयर एंड देन अपेयर फॉर द एग्जाम, ठीक है। डेली 5 से 7 क्वेश्चन सॉल्व करो, दैट इज इट। महीने 2 महीने के अंदर आपकी रीडिंग ऑटोमेटिकली अच्छी खासी हो जाएगी पहले के कंपेयर में।
ऑल राइट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर फोर्थ. देखो क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कहता है बेसिकली. सिंस न्यूट्रिशन साइंटिस्ट्स आर कॉन्स्टेंटली मेकिंग न्यू डिस्कवरीज, कि क्योंकि न्यूट्रिशन साइंटिस्ट मतलब जो हमारे खाने पीने से रिलेटेड जो साइंटिस्ट्स होते हैं वो रोज लगातार नई डिस्कवरीज कर रहे हैं, इस वजह से कॉमा सिंस जो लगा था वो इसका मतलब यही था, इस वजह से तो वो जो नई डिस्कवरीज कर रहे हैं ना उस वजह से वी नीड टू रिवाइज आवर डैश फॉर हेल्दी ईटिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम. हमें अपना डैश को चेंज करने की ज़रूरत है टाइम टू टाइम, थोड़े टाइम के बाद में. वी नीड टू रिवाइज आर डैश, हमें अपने डैश को चेंज करने की ज़रूरत है. अब देखो यहाँ पे ऑप्शन क्या बने हैं, हेल्पफुल मदद, इंटरैक्ट मतलब बातचीत, एसोसिएट मतलब जुड़े होना या साथी उसको एसोसिएट बोलते हैं, सूटेबल मतलब परफेक्ट, सब्जेक्ट सब्जेक्ट का मतलब सब्जेक्ट होता है, रिकमेंडेशन मतलब सलाह, साइंस का मीनिंग आपको पता है, इम्प्लीकेशन का मतलब परिणाम बोलोगे आप. तो हमें चेंज करने की ज़रूरत है हमारे डैश को, हमें अपने सब्जेक्ट को चेंज करने की ज़रूरत है, एसोसिएट को, हेल्पफुल को, रिकमेंडेशंस को या इम्प्लीकेशन को. अब देखो यहाँ पे क्या चीज़ हो रही है, यहाँ पे ना आर लगा हुआ है राइट. वी नीड टू चेंज आर डैश, वी नीड टू चेंज आर प्लान्स राइट, वी नीड टू चेंज आर मेथड्स, एक प्लूरल चीज़ लग रही है कि यहाँ पे आनी चाहिए. वी नीड टू चेंज आर implications, इम्प्लीकेशन का मतलब परिणाम, हमें अपने परिणामों को बदलने की ज़रूरत है या हमें अपनी सलाह को बदलने की ज़रूरत है. यही दो ऑप्शन थे जो प्लूरल वाले यहाँ पे लग रहे थे, रिकमेंडेशंस और implication, राइट. तो क्योंकि साइंटिस्ट जो है वो डेली डेली नई डिस्कवरीज कर रहे हैं तो इसलिए जो सलाह हम ले रहे हैं ना उसे हमें टाइम टू टाइम बदलने की ज़रूरत है, रिकमेंडेशंस को हमें रिवाइज करने की ज़रूरत है, बार बार उन पर विचार करने की नीड है. नाउ नेक्स्ट लाइन में क्या आ रहा है, देखो ए लगा हुआ है, ए के बाद एक ब्लैंक है और फिर फुल स्टॉप है. अगेन वही रूल हम अप्लाई करेंगे, यहाँ पे एक नाउन आना है, हम नाउन को आइडेंटिफाई करेंगे और नाउन कौन सा आएगा, सिंगुलर नाउन, क्योंकि ए लगा हुआ है, प्लूरल नाउन नहीं आ सकता. तो क्वेश्चन कहता है, वर्डिंग क्या है, हाउएवर हालांकि, न्यूट्रिशन इज एन आर्ट एज वेल एज अ डैश. न्यूट्रिशन एक आर्ट है, न्यूट्रिशन एक कला है और उसके साथ साथ यह एक डैश भी है राइट. उस ए के अंदर यहाँ पे नाउन आना चाहिए. तो इन वर्ड्स में से हमें सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करना है, नाउन कौन सा है, हेल्पफुल है. नाउ नाउन का टेस्ट क्या था, इट इज माय डैश, इट इज माय हेल्पफुल, नहीं, अगर हेल्प होता, इट इज माय हेल्प, यह मेरी मदद है, तो सूट कर जाता है एक टाइम के लिए, इट इज माय हेल्प, हेल्पफुल नहीं हो रहा. हेल्पफुल एक एडजेक्टिव है कि ही इज हेल्पफुल, तो ये नाउन नहीं है, ये यहाँ पे नहीं आ सकता. इंटरैक्ट, इंटरैक्टिंग, आईएनजी फिट बैठ रहा है यहाँ पे, आई कैन इंटरैक्ट, वर्ब के टेस्ट यहाँ पे फिट बैठ रहे हैं, नाउन के नहीं. अगर यहाँ पे टी आई ओ एन लगा होता, इंटरैक्शन, टी आई ओ एन, फिर यहाँ पे ये नाउन में फिट बैठ जाता, अभी ये नाउन नहीं है. एसोसिएट, एसोसिएट का मीनिंग होता है साथी, ही इज माई एसोसिएट, वह मेरा साथी है, हिंदी में बिल्कुल फिट बैठ रहा है, नाउन का टेस्ट यही था ना, ही इज माई एसोसिएट, प्लस इसका प्लूरल भी हो सकता है एसोसिएट्स, तो प्लूरल तो सिर्फ नाउन का होता है, तो ये एक नाउन है. सूटेबल, सूटेबल में देखो एडजेक्टिव का टेस्ट लगाओ, ही इज सूटेबल, के वह परफेक्ट है, वह सूटेबल है, वह सही है, एडजेक्टिव के टेस्ट में सेटिस्फाई हो रहा है. सूटेबल्स इसका प्लूरल करोगे, प्लूरल नहीं बन रहा, तो नहीं बन रहा, दैट मीन्स ये नाउन नहीं है. सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का प्लूरल होता है सब्जेक्ट्स, तो प्लूरल तो सिर्फ नाउन का होता है. साइंस, साइंसेज, एक से ज्यादा विज्ञानों की जब बात की जाती है, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, बायोलॉजी हो गया, मल्टीपल साइंसेस की बात हो रही है, तो प्लूरल इसका हो सकता है, दैट मींस ये एक नाउन है. ये देखो इम्प्लीकेशंस, ऑलरेडी एस लगा हुआ है यहाँ पे, और एस प्लूरल सिर्फ नाउन का होता है, ये भी एक नाउन है, पर यहाँ पे इम्प्लीकेशन तो आंसर आ ही नहीं सकता. क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे ए लगा हुआ है और ए के बाद में क्या रूल है कि सिंगुलर नाउन आना चाहिए, तो ये भी यहाँ से कट जाएगा. अब इनका मीनिंग समझते हैं कि हालांकि न्यूट्रिशन एक कला है और उसके साथ साथ ये एक डैश भी है, उसके साथ साथ साथी भी है, उसके साथ साथ सब्जेक्ट भी है, उसके साथ साथ साइंस भी है. साथी क्यों होगा न्यूट्रिशन, ठीक है, कला और साथी का कोई लेना देना नहीं है. न्यूट्रिशन एक सब्जेक्ट भी है या न्यूट्रिशन एक साइंस भी है. देखो कला और साइंस इन दोनों का कंपेरिजन हमेशा किया जाता है कि म्यूजिक जो है, म्यूजिक एक कला है, ठीक है, केमिस्ट्री एक साइंस है, तो ऐसे ही बोलना है कि न्यूट्रिशन जो है कला भी है. उसकी आगे रिक्वायरमेंट बताएंगे कि कला क्यों है. म्यूजिक इज एन आर्ट एज वेल एज अ साइंस, और उसके साथ साथ ये एक साइंस का सब्जेक्ट भी है, तो इसीलिए इसका आंसर इन दोनों में से साइंस बचेगा, ठीक है. अगेन आप
ऑप्शंस को शॉर्ट करते हो, तब जाके आपके आंसर्स, आपकी एक्यूरेसी सुधरती है। यही मेन पर्पज होता है आपको नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब ये सब समझाने का। अब देखो कहता है कि इट इज एन आर्ट। ये आर्ट क्यों है? अभी यहाँ पे लिखा था ना कि एक आर्ट भी है और साइंस भी है, तो बता रहे हैं कि आर्ट क्यों है। बिकॉज इट रिक्वायर्स क्रिएटिविटी टू डेवलप अ हेल्दी ईटिंग प्लान फॉर पीपल हु डिफर इन देयर फूड प्रेफरेंसेस, बिलीफ एंड कल्चर, लेट अलोन द न्यूट्रिशन लीड अकॉर्डिंग टू देयर जीन्स एंड स्टेज। क्योंकि जो न्यूट्रिशन होता है ना, आपको अगर किसी को सजेस्ट करना है कि आप ये डाइट प्लान लो, तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें जज करनी पड़ती हैं कि उसके पर्सन की एज क्या है, ठीक है, वो कहाँ से है, उसका वो किस एटमोसफेयर में रहता है, उसको क्या चीज़ें पसंद है खाने में, क्या चीज़ें नहीं पसंद है। अब डॉक्टर कुछ लिख दे, हो सकता है उस पर्सन को उस चीज़ से एलर्जी हो, तो वो न्यूट्रिशनिस्ट जो होता है उसे पता होनी चाहिए ये सारी चीज़ें। तो इसीलिए बोल रहा है कि आपको बहुत सारी चीज़ें कंसिडर करनी पड़ती हैं, इसीलिए ये आर्ट है। फिर क्या कहता है, एज वी डिस्कवर मोर अबाउट हाउ आर जीन्स एंड आर एनवायरमेंट डैश, कि जैसे जैसे हम डिस्कवर करते जाते हैं, जैसे जैसे हमें पता चलता जाता है कि कैसे हमारे जीन्स और हमारा एनवायरमेंट डैश करते हैं, हमारा हमारे जीन्स, हमारी बॉडी और हमारा एनवायरमेंट हेल्पफुल करते हैं या इंटरेक्ट करते हैं या एसोसिएट या सूटेबल सब्जेक्ट इम्प्लीकेशंस, हमारा वातावरण और हमारी बॉडी इम्प्लीकेशंस करते हैं, परिणाम करते हैं या सब्जेक्ट करते हैं, नहीं सूटेबल करते हैं। इंटरेक्ट का होता है आपस में बातचीत कैसे करते हैं, तो हमारी बॉडी और हमारा एनवायरनमेंट आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं, ठीक है। कहीं पे आप जाते हो, आपकी बॉडी कुछ अलग रिएक्शन देती है वहां पे एक जगह को जाके, ठीक है, आपको सर्दी में रहने की आदत नहीं होती, आपके जीन्स वहां पे अलग रिएक्ट करते हैं। तो यही तो बात हो रही है कि हमारा बॉडी और हमारा जो एनवायरनमेंट है वो कैसे इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे हम इन चीजों को समझ रहे हैं कि कैसे ये दोनों इंटरेक्ट करते हैं, इट इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट टू प्रोवाइड अ सिंगल सेट ऑफ डाइटरी रिकमेंडेशंस। तो डॉक्टर्स के लिए चीज बहुत मुश्किल हो गई है, ठीक है, कि हर एक बंदे के लिए एक ही डाइट प्लान बना देना, ठीक है, कि आप सुबह उठ के ये खाओगे, एक डाइट प्लान बना दिया और बोला कि सब लोगों पे यही चीज वैलिड होगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि हो सकता है उस पर्सन को उस चीज से एलर्जी हो, फॉर एग्जाम्पल दाल है, हो सकता है किसी पर्सन को दाल से एलर्जी हो, आप उसको वो चीज रेकमेंड नहीं कर सकते ना, आप सब लोगों के लिए दाल वाला डाइट प्लान नहीं बना सकते, ठीक है। कोई यूरोपियन है, कोई अमेरिकन है, कोई अफ्रीकन लोग हैं, हो सकता है उनके कल्चर में ये चीज अवेलेबल ही ना हो, उनके कंट्री में ये चीज ना मिलती हो। तो इसलिए कह रहे हैं कि ये चीज डेली जो है डिफिकल्ट हो रही है कि सबको एक ही तरह के रिकमेंडेशंस देना, दैट विल बी डैश फॉर एवरीवन, और ये रिकमेंडेशन जो सबके लिए डैश हो। अब देखो यहाँ पे क्या चीज हो रही है, यहाँ पे बी लगा हुआ है, दैट विल बी डैश फॉर एवरीवन, ठीक है। बी के बाद का क्या रूल होता है, बी के बाद में मोस्ट ऑफ द टाइम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ में या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए या फिर वहां पे एक एडजेक्टिव आना चाहिए, ठीक है, नाउन वगैरह नहीं आते। अब देखो यहाँ पे कोई वर्ब हमें गिवन था, एक ही वर्ब गिवन था, इंटरैक्ट, ठीक है। इम्प्लीकेशंस क्या है, इम्प्लीकेशंस एक नाउन है, प्लूरल हो रखा है, सब्जेक्ट नाउन है क्योंकि इसका प्लूरल हो सकता है, एसोसिएट इसका भी प्लूरल हो सकता है, एसोसिएट, एसोसिएट्स, सब्जेक्ट्स, ये तीनों तो नाउन है, ये तीनों यहाँ पे नहीं आने चाहिए। यहाँ पे क्या आ सकता है, एडजेक्टिव आ सकता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। हेल्पफुल क्या है, एडजेक्टिव है ये, एडजेक्टिव का टेस्ट क्या था, इट इज या ही इज हेल्पफुल, वह हेल्पफुल है, वह मददगार है, बिल्कुल फिट बैठ रहा है एडजेक्टिव। ही इज सूटेबल, ये भी एक एडजेक्टिव है, राइट। सो दैट विल बी सूटेबल फॉर हेल्प एवरीवन या दैट विल बी हेल्पफुल फॉर एवरीवन, इन दोनों के अंदर से एक ऑप्शन यहाँ पे फिट होना चाहिए, राइट। सो दैट विल बी सूटेबल फॉर एवरीवन, के ऐसी रिकमेंडेशन देना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा जो हर एक पर्सन के लिए सूटेबल हो, आपने सूटेबल ऑप्शन लगाया उसके बाद, ठीक है। अगेन जो ऑप्शन यहाँ पे नहीं बैठ रहे थे, नाउन फिट नहीं हो रहा था, यहाँ पे हमने उसको एलिमिनेट कर दिया, यही पर्पज होता है इन सब टेस्ट को लगाने का। ओके लेट्स सॉल्व वन मोर क्वेश्चन नाउ। ओके सो दिस इज द क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन कहता है द लाइफ साइंस इंस्टीट्यूट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन अमेरिका के अंदर है, उसके अंदर एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है लाइफ साइंस इंस्टीट्यूट, ठीक है। ये डिपार्टमेंट क्या करता है, इसने अचीव किया है, इसने कुछ चीज प्राप्त की, अचीव्स डैश इन मेडिकल रिसर्च, मेडिकल रिसर्च के अंदर इसने कोई चीज अचीव की है, बाय कैसे अचीव किया, बाय ब्रिंगिंग टुगेदर द वर्ल्ड्स लीडिंग साइंटिस्ट फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ लाइफ साइंस डिसिप्लिन।
इसने क्या किया, अलग अलग फील्ड से साइंस की बड़े बड़े टॉप साइंटिस्ट को एक साथ लेके आया, फिजिक्स के फील्ड से, केमिस्ट्री के फील्ड से, जूलॉजी के फील्ड से, बॉटनी के फील्ड से, बड़े बड़े साइंटिस्ट को इकट्ठा लेके आ गए एक प्लेटफॉर्म के ऊपर, ठीक है, तब जाके उन्होंने कोई चीज यहाँ पे अचीव किया है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन ने अचीव किया है क्या, डैश, एम्बिग्विटी। एम्बिग्विटी होता है कंफ्यूजन, डाउटफुलनेस। अब कंफ्यूजन कोई अचीव करने की चीज तो है नहीं, ठीक है, कोई अच्छी चीज ही अचीव करेंगे ना, तो कंफ्यूजन इसका आंसर नहीं होना चाहिए। कोलैबोरेटिव, एक साथ मिलके काम करना, उन्होंने अचीव किया कोलैबोरेटिव। अगर यहाँ पे होता वर्ड कोलैबोरेशन, तब हम सोच सकते थे कि यहाँ पे लगा सकते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन अचीव्स कोलैबोरेशन। कोलैबोरेटिव उन्होंने अचीव किया, कोलैबोरेटिव कोई रिवॉर्ड तो है नहीं जिसे अचीव कर पाएंगे। क्विट, क्विट तो मतलब होता है छोड़ना, ठीक है, छोड़ना कोई अचीव करने वाली चीज नहीं है, अगेन, ठीक है, तो ये चीज भी नहीं आएगी। एक्सेलेंस, महारत, सक्सेस, एक्सेलेंस का सिनोनिम है, ये एक अचीव करने वाली चीज है। पॉजिटिव, पॉजिटिव भी कोई अचीव करने वाली चीज नहीं होती, पॉजिटिव या तो बंदा होता है या नहीं होता। तो यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन पॉजिटिव है इस चीज को लेके, वो पॉजिटिव को अचीव कैसे करेगा, पॉजिटिवनेस को अचीव कर सकते हैं, पॉजिटिव को नहीं। एक्सेलरेट, बढ़ाना, उन्होंने बढ़ाना अचीव किया, नहीं, राइट, क्या ऑप्शन बचा यहाँ पे, उन्होंने एक्सेलेंस अचीव किया, उन्होंने महारत अचीव कर ली है बायोमेडिकल रिसर्च के अंदर। कैसे अचीव किया, साइंटिस्ट को एक साथ लेके, वो एक ही प्लेटफॉर्म पे बड़े बड़े साइंटिस्ट को एक साथ ले आए, टू डैश ब्रेक थ्रूज एंड डिस्कवरीज दैट विल इंप्रूव ह्यूमन हेल्थ। एक साथ क्यों लेके आए, टू डैश ब्रेक थ्रूज, ब्रेक थ्रूज का मतलब डिस्कवरी से ही होता है, इन्वेंशन से होता है, ताकि वो इन्वेंशंस को और डिस्कवरीज को डैश कर सकें, और वो दैट विल इंप्रूव ह्यूमन हेल्थ, जिससे इंसानों की हेल्थ सुधरे, राइट। अब देखो यहाँ पे फिर से टू के बाद में वर्ब हम लगा सकते हैं यहाँ पे, बट अगेन इन पांचों में से वर्ब है कौन सा, तो वर्ब का टेस्ट लगा के चेक करेंगे हम। फर्स्ट कहता है एम्बिग्विटी, ING लगा के देख लो, एम्बिग्विटिंग या आई कैन एम्बिग्विटी, नहीं बनता, राइट, एम्बिग्विटीज इसका प्लूरल बन रहा है ना, कंफ्यूजन, कंफ्यूजन्स, एम्बिग्विटी, एम्बिग्विटीज, प्लूरल बनता हुआ दिख रहा है, प्लूरल सिर्फ नाउन का होता है, वर्ब नहीं है ये। कोलैबोरेटिव, ING लगाओ, कोलैबोरेटिविंग नहीं बनता, कोलैबोरेटिविंग, राइट। क्विट, क्विटिंग, या फिर आई कैन क्विट, मैं छोड़ सकता हूं, ही कैन क्विट, वह छोड़ सकता है, वर्ब के टेस्ट में सेटिस्फाई हो रहा है, दैट मीन्स वर्ब है। पॉजिटिव, आई कैन पॉजिटिव, पॉजिटिविंग नहीं होता, ING नहीं लग रहा, ही इज पॉजिटिव, एडजेक्टिव के रूल में सेटिस्फाई हो रहा है, वर्ब नहीं है ये भी। एक्सेलरेट, बढ़ाना, आई कैन एक्सेलरेट, मैं बढ़ा सकता हूँ, यस, एक्सेलरेटिंग बढ़ रहा है, बिल्कुल फिट बैठ रहा है, वर्ब है ये। तो इन दोनों ऑप्शन में से यहाँ पे एक ऑप्शन जाएगा, ठीक है। अब मीनिंग समझते हैं बस, तो वो बड़े बड़े साइंटिस्ट को एक साथ लेके आ गए, टू डैश ब्रेक थ्रूज एंड डिस्कवरीज दैट विल इंप्रूव ह्यूमन हेल्थ, ताकि वो उन डिस्कवरीज को क्विट कर सकें, छोड़ सकें उन डिस्कवरीज को, या उन डिस्कवरीज को और ज्यादा बढ़ा सकें, यस, बढ़ा सकें, ताकि उनसे ह्यूमन हेल्थ को फायदा हो, ठीक है। तो एक्सेलरेट इसका आंसर जाएगा। आगे क्या कहता है, विद क्लोज टू 400 साइंटिफिक स्टाफ मेंबर्स, तो उस वो जो टीम है ना लाइफ साइंस इंस्टीट्यूट की, उसके अंदर 400 साइंटिस्ट हैं बेसिकली, ठीक है। दी एल एस आई इज एक्सप्लोइटिंग द पावर ऑफ आ डैश एंड इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच टू बायोमेडिकल रिसर्च इन एन ओपन लेबोरेटरी फैसिलिटी। तो 400 से ज्यादा टीम के साथ में वो इस पावर को एक्सप्लोइट कर रहे हैं, इस पावर का यूज कर रहे हैं, ठीक है, एक बायोमेडिकल रिसर्च फैसिलिटीज का यूज कर रहे हैं। देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे ए लगा हुआ है ब्लैंक से पहले, ए के बाद में क्या रूल है कि ए के बाद में एक नाउन आना चाहिए। अब यहाँ पे जो नाउन लगा है ना, देखो यहाँ लग रहा है अप्रोच वर्ड, क्योंकि इसका प्लूरल भी होता है अप्रोचेस, आप इस पे क्लिक करोगे ये दिखाएगा भी, वर्ब दिखा रहा है पहले, नीचे देखो एन लगा हुआ है नाउन, दैट मीन्स एक नाउन भी है, इट इज माई अप्रोच या अप्रोचेस, ठीक है। अब नाउन यहाँ पे लगा हुआ है, नाउन के आगे क्या लगना चाहिए, एडजेक्टिव। इंटरडिसिप्लिनरी क्या है, एडजेक्टिव, ठीक है, इंटरडिसिप्लिनरी, ADJ, एडजेक्टिव। ऑफ कोर्स ये चीज आपको एग्जाम में तो क्लिक करके नहीं देख पाओगे, आपको समझनी ही पड़ेगी, इंटरडिसिप्लिनरी एक एडजेक्टिव है, उसके आगे एंड लगा हुआ है और फिर से ब्लैंक है।
एंड के आगे पीछे कई बार सेम चीज लग जाती है. दैट मीन्स अगर यहाँ पे भी कुछ लगाना हुआ ना, यहाँ पे भी हम एडजेक्टिव लगा सकते हैं. ठीक है, एडजेक्टिव हम सोच सकते हैं यहाँ पे लगाने का. इंटरडिसिप्लिनरी, तो वो एक्सप्लोइट कर रहे हैं, एक्सप्लोइटिंग द पावर ऑफ अ डैश अप्रोच. इंटरडिसिप्लिनरी और डैश अप्रोच की पावर को एक्सप्लोइट कर रहे हैं. हमें एडजेक्टिव ढूंढना है इन चार ऑप्शंस में से. एडजेक्टिव कौन सा बनेगा? देखो, एम्बिग्विटी था. एम्बिग्विटी क्या बन रहा था? हमने इसका प्लूरल बनाया था, एम्बिग्विटीज, राइट? तो ये तो बन रहा था नाउन. ठीक है, क्विट क्या बन रहा था? आई कैन क्विट वर्ब बन रहा था. एडजेक्टिव का टेस्ट क्या होता है? ही इज या इट इज. इट इज पॉजिटिव या ही इज पॉजिटिव, बिल्कुल एडजेक्टिव फिट बैठ रहा है. ठीक है, कोलैबोरेटिव, इट इज कोलैबोरेटिव, एक साथ, ये एक साथ हो रहा है, इट इज कोलैबोरेटिव, अगेन एडजेक्टिव ये बन रहा है. ठीक है, तो यहां पे इन दोनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन जो आएगा, द पावर ऑफ अ डैश एंड डैश अप्रोच, इंटरडिसिप्लिनरी और पॉजिटिव अप्रोच, इंटरडिसिप्लिनरी या फिर कोलैबोरेटिव अप्रोच. देखो यहाँ पे पिछले सेंटेंस में क्या बात हो रही है कि 400 से ज्यादा साइंटिस्ट हैं उसके अंदर, तो वो सारे मिलके काम कर रहे हैं ना. अप्रोच पॉजिटिव है कि नेगेटिव, ऐसे कैसे जस्टिफाई कर दोगे आप अप्रोच को, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पर कोलैबोरेटिव एक्शन तो हो रहा है, सब मिलके काम कर रहे हैं. इंटरडिसिप्लिनरी मतलब अलग अलग फील्ड के लोग आपस में इकट्ठा हुए हैं और सारे मिलके काम कर रहे हैं, तो कोलैबोरेटिव अप्रोच की बात हो रही है यहाँ पे. ठीक है, आंसर चेक करते हैं. कोलैबोरेटिव बिल्कुल सही आंसर है. ऑल राइट, लेट्स सॉल्व वन मोर क्वेश्चन नाउ. देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या बात हो रही है. एक्सट्रीम हीट्स ब्रिंग सीरियस हेल्थ रिस्क. एक्सट्रीम हीट, बहुत ज्यादा गर्मी अगर होगी तो उसके सीरियस हेल्थ रिस्क होंगे. ठीक है, बहुत ज्यादा गर्मी के आपके बॉडी के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट्स होंगे. डैश फॉर पीपल हु आर एल्डर और हैव प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस, जो लोग बुजुर्ग हैं या फिर जिन लोगों को ऑलरेडी बीमारी है. देखो यहाँ पे ना इस ब्लैंक में इंटरेस्टिंग चीज हो रही है, इससे पहले लगा हुआ है कॉमा. ठीक है, जहां पे आपको कॉमा लगाना ना कुछ होगा वहां पे, या तो आप मल्टीपल नाउन्स की बात कर रहे हो जैसे कार, बाइक एंड पेन, तो अब आप कॉमा लगा सकते हो, या फिर कोई ना कोई कनेक्टर का यूज करोगे आप वहां पे, एंड हो गया, ऑल्दो हो गया, बट हो गया. ठीक है, ऐसी चीज का यूज करना पड़ेगा वहां पे. आप नाउन वगैरह ऐसे एज इट इज नहीं लगा सकते, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे कनेक्टर आना चाहिए. हिंदी क्या कहती है इसकी? के एक्सट्रीम हीट ब्रिंग्स सीरियस हेल्थ रिस्क. एक्सट्रीम हीट की वजह से, बहुत ज्यादा गर्मी की वजह से हेल्थ रिस्क होते हैं, खास तौर पे उन लोगों को वो हेल्थ रिस्क होते हैं जो लोग बुजुर्ग हैं या फिर जिनको ऑलरेडी कोई ना कोई बीमारी है. तो खास तौर से उन लोगों को, खास तौर से जैसा क्या वर्ड यहाँ पे लग रहा है, राइट? यहाँ पे वर्ड गिवन है हमें स्पेशली. स्पेशली मतलब खास तौर से, खास तौर से और स्पेशली से पहले अगेन कॉमास आते हैं, तो ये बिल्कुल दोनों चीजें यहाँ पे फिट हो गई हैं. तो स्पेशली फॉर पीपल हु आर एल्डरली और हैव प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस. और ऐसा क्यों होता है? ठीक है, बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज. क्लाइमेट चेंज की वजह से हीट वेव्स आर गेटिंग मोर फ्रिक्वेंट. हीट वेव्स बहुत ज्यादा आने लग गई हैं. पहले शायद होता था कि साल में 5 या 6 बार आई, अब हो सकता है कि साल में 10 बार आ रही है, या एक ही महीने के अंदर बहुत ज्यादा दिन हीट वेव्स चल रही हैं, गर्म हवाएं चल रही हैं. अब देखो इस ब्लैंक में क्या हो रहा है, इस ब्लैंक में ना देखो इससे पहले मोर लगा हुआ है. ठीक है, और उससे पहले एक और मोर लगा हुआ था. मोर के बाद क्या वर्ड हुआ था? फ्रीक्वेंट. अगर हम पता कर लेना ये फ्रीक्वेंट वर्ड क्या है, क्या ये वर्ब है, ये एडजेक्टिव है या नाउन है, वही सेम वर्ड यहां पे अप्लाई होगा. फ्रीक्वेंट, आई कैन फ्रीक्वेंट, फ्रीक्वेंटिंग वर्ब नहीं लग रहा. एडजेक्टिव का टेस्ट लगा के देखो, इट इज फ्रीक्वेंट, यह बार बार होता है. ठीक है, ही इट इज फ्रीक्वेंट, यह बार बार होता है, बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा है. आप इस पे क्लिक करके भी देखोगे तो ये बताएगा एडजेक्टिव है ये, राइट? सेम चीज हमें यहाँ पे अप्लाई करनी है, मोर फ्रीक्वेंट, मोर डैश, एडजेक्टिव का रूल हमें यहाँ पे अप्लाई करना है. अब देखो इनमें से हमें एडजेक्टिव फिल्टर आउट करते हैं. इंसिडेंस, इंसिडेंस प्लूरल करके देखना. इंसिडेंस मतलब घटना, इंसिडेंसेस घटनाएं. एक तो प्लूरल भी हो रहा है, दैट मीन्स ये नाउन है. दूसरी चीज क्या है, ई एन सी ई लगा हुआ है इसके लास्ट में. ई एन सी ई वाले जो वर्ड्स होते हैं जिनके लास्ट में ई एन सी लगा, परमानेंस, एक्सीलेंस, वो नाउन बनाते हैं. मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में दिखाया था पहले, तो ये एक नाउन है. फ्लेक्सिबल, एडजेक्टिव का रूल क्या था? इट इज या ही इज फ्लेक्सिबल, वह फ्लेक्सिबल है,
या इट इज फ्लेक्सिबल, यह फ्लेक्सिबल है, यह लचीला है, बिल्कुल एडजेक्टिव के हिंदी बिल्कुल सही बन रही है। इंटेंस गंभीर, यह गंभीर है, इट इज इंटेंसिव, बिल्कुल सही हिंदी बन रही है। कॉन्सिक्वेंसेस परिणाम, सिंगुलर कॉन्सिक्वेंस होता, प्लूरल कॉन्सिक्वेंसेस हो रहा है, प्लूरल सिर्फ नाउन का होता है, दैट मीन्स एडजेक्टिव नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट्स अगेन प्लूरल हो रखा है, नाउन नहीं, नाउन है ये, एडजेक्टिव नहीं है। नेसेसरली, इट इज नेसेसरली, अगर नेसेसरी होता, इट इज नेसेसरी, यह जरूरी है, तब ये सही बैठ जाता, नेसेसरली ठीक नहीं बन रहा। इट इज नेसेसरली रूल के अंदर सेटिस्फाई नहीं हो रहा, ये भी हट गया, राइट। अब यहाँ पे बात क्या हो रही है, बेसिकली हीट वेव्स आर गेटिंग मोर फ्रीक्वेंट एंड मोर फ्लेक्सिबल। हीट वेव्स बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट हो रही हैं और बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल हो रही हैं। हीट वेव्स लचीली हो रही हैं या बहुत ज्यादा गंभीर हो रही हैं, कि बहुत ज्यादा सीरियस हीट वेव्स चल रही हैं आज के टाइम पे। इंटेंस वर्ड यहाँ पे फिट हो रहा है कि आज के टाइम पे बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट और बहुत ज्यादा गंभीर हीट वेव्स चल रही हैं, राइट। इंटेंस वर्ड यहाँ पे लगा दिया। एंड आर लास्टिंग लॉन्गर देन एवर बिफोर। और ये जो हीट वेव्स है ना, अब ये पहले के टाइम के कंपेयर में बहुत ज्यादा लंबे समय तक चलती हैं। पहले अगर मान लो दिन में 2 या 4 घंटे चलती थी, अब ये 6-6 घंटे चल रही हैं, ये बात हो रही है। विद डेडली डैश, और इनका जो है डेडली डैश है, इनका डेडली घटना है, इनका डेडली फ्लेक्सिबल है, डेडली कॉन्सिक्वेंसिस है, डेडली कॉन्फ्लिक्ट है। कॉन्सिक्वेंसिस का मतलब परिणाम, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है विवाद, झगड़ा। नेसेसरली मतलब जरूरी, फ्लेक्सिबल मतलब फ्लेक्सी लचीला, इंसिडेंस मतलब घटना। तो ये लंबे समय तक रहती हैं और इनसे डेडली, इनके डेडली परिणाम होते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस इनके डेडली होते हैं, राइट। ये वर्ड यहाँ पे सूट करेगा। नाउ नेक्स्ट में देखो, फिर से यहाँ पे एक रूल अप्लाई कर सकते हैं हम, एक के बाद नाउन वाला। तो क्वेश्चन देखते हैं, ड्यूरिंग हीट वेव्स देयर इज अ हायर डैश ऑफ डेथ। डेथ का एक डैश होता है, हायर डैश होता है। देखो यहाँ पे ए लगा हुआ है, ए के बाद में क्या आना चाहिए, नाउन आना चाहिए टेक्निकली। यहाँ पे क्या हायर नाउन है, ठीक है। और जो नाउन होता है ना, वो अगेन इन प्रेपोजिशन ऑफ वगैरह से पहले आता है, तो या तो इस ब्लैंक के अंदर नाउन आएगा या फिर हायर ही नाउन है। लेकिन हायर है क्या, इट इज हायर, यह ऊंचा है, ये तो एडजेक्टिव वाले रूल में सेटिस्फाई हो रहा है, राइट। इट इज हायर एडजेक्टिव, एडीजे दिखा रहा है, दैट मीन्स एडजेक्टिव है ये। दैट मीन्स इस ब्लैंक में अभी भी नाउन आना है, तो हमें इनमें से बस आइडेंटिफाई करना है कि नाउन कौन सा है, ठीक है। नाउन का टेस्ट हमें पता है, प्लूरल करके देख सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट, ये एक नाउन है, कॉन्फ्लिक्ट प्लूरल हो रहा है क्योंकि, बट यहाँ पे तो ए लगा हुआ है ना, ए के बाद तो सिंगुलर नाउन आना चाहिए, दैट मीन्स ये नहीं आ सकता, ये प्लूरल है। इट इज माई डैश, इट इज माई फ्लेक्सिबल, नहीं, फ्लेक्सिबल हमने देखा था, फ्लेक्सिबल एक एडजेक्टिव है, कि ही इज फ्लेक्सिबल, इट इज फ्लेक्सिबल एडजेक्टिव के रूल में सेटिस्फाई हो रहा था, फ्लेक्सिबल नाउन नहीं है। इंसिडेंस घटना, ई एन सी ई भी लगा हुआ है पीछे, घटना घटनाएं, इंसिडेंसेस, ये बिल्कुल एक नाउन है। नेसेसरली एल वाई वाले जो होते हैं एडवर्ब होते हैं, या इट इज माई नेसेसरली नहीं होता, इट इज माई नेसेसिटी अगर यहाँ पे वर्ड होता तब नाउन के रूल में सेटिस्फाई होना था, नेसेसिटी नेसेसिटीज नेसेसरली नाउन नहीं होता। तो इंसिडेंस एक ही ऑप्शन बचा देखो यहाँ पे, और वही ऑप्शन इसका आंसर होगा, इंसिडेंस ही इसका आंसर बनना चाहिए, राइट। एक बार ऑप्शन आंसर चेक करते हैं, राइट, सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं। सो दिस इज हाउ यू नो आई सॉल्व रीडिंग इन द एक्चुअल एग्जाम। ऑल राइट गाइस, दिस इज द एंड ऑफ पार्ट वन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। आई हैव वन स्पेशल अनाउंसमेंट टू मेक। जिन लोगों की रीडिंग बहुत ज्यादा वीक है, जिन्हें लगता है कि उनके रीड अलाउड अच्छे से पिक नहीं हो पाते, फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन का इशू आता है, आप हमारा ऑनलाइन रीडिंग का बैच या स्पीकिंग का बैच ज्वाइन कर सकते हो। मैं और मेरी पूरी टीम आपकी मदद करेंगे ताकि आपका डिजायर्ड बैलेंस स्कोर अचीव हो सके। नाउ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज कॉमेंट बॉक्स में टाइप जरूर करना, तभी मैं इसका पार्ट 2 भी बनाऊंगा। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।